जिस भजन में ओम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और आइए अब थोड़ी सी चर्चा, कुछ घर परिवार की बातें। एक पिता के तीन पुत्र हैं, तीन फैक्ट्रियां, तीन कोठियां, तीन कारें, जेवर, नकदी, शेयर। पिता ने सब कुछ अपने पुत्रों में बांट दिया। अब पिता कहते हैं, भाई मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम भी मुझे मिलके बांट लो, बताओ तीनों में से कौन अपने पास रखेगा। सब कुछ लेने के बाद बेटे भी बदलते हुए दिखते हैं। अब तो बड़े वाला सबसे पहले अपनी मजबूरी बताने लगता है, पिताजी मेरे साथ तो ये है, पहले ही गुजारा बहुत होता है। बीच वाली बहू पिताजी को सीधा ही कह देती है, कभी कभी कह देती है, पिताजी आप सामने वाले दरवाजे से मत आया करो। पिता कहते हैं, भाई तुम तीनों अपने पास नहीं रख सकते, चलो ऐसा करो एक माँ को रख लो और एक मुझे रख लो, और ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो सर्दी गर्मी बरसात ही रख लो। सभी बेटे अपनी अपनी मजबूरी पिता को बताने लगे हैं। एक पिता ने अकेले तीन बेटों को पाल लिया। आज के हालात ऐसे हैं, तीन बेटे मिलकर एक पिता को नहीं पाल सकते हैं। मुझसे जब मिले तो मैंने कहा, एक छोटी सी गलती आपसे हो गई है, आपने समय से पहले अपने पुत्रों को सब कुछ दे दिया। तो आइए इस भजन में कवि ने लिखा है, सुनते हैं। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। आइए आगे। परमात्मा का जो नाम नहीं लेता, माता पिता आचार्य को जो व्यक्ति सम्मान नहीं देता, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो उधार तो लेता है लेकिन चुकाता नहीं। हम दुनिया में कर्ज लेकर आते हैं, माँ का, पिता का, गुरु का। भक्ति की शुरुआत जो होती है ना, वो माता पिता से होती है। हम माता पिता की संपत्ति लेने में संकोच नहीं करते हैं, हाँ उनको चरण स्पर्श करने में, उनको नमन करने में शर्म आती है। जो भगवान
आपको साक्षात दिखते हैं घर में, जब आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते, वो परमात्मा जो दिखता नहीं उसकी भक्ति कैसे करोगे? भक्ति की शुरुआत साक्षात मूर्तियां आपके घर में विद्यमान है, माता और पिता, वहीं से करो। 24 घंटे में एक बार अपने माता पिता को आप कहीं भी हो मन ही मन जरूर नमन करना चाहिए। आइए, कवि ने भी लिखा है, सुनते हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, उसे कभी सताना ना चाहिए। ये वेद में हम प्रार्थनाएं करते हैं। मित्रा अभयम ममित्रा दभयम, हे प्रभु, शत्रुओं से तो मेरी रक्षा करो ही करो, मित्रों से भी मेरी रक्षा करो। संतों ने बताया ना, जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए, अपने मित्र को भी चाहे वो कितना ही गहरा हो, परम मित्र क्यों ना हो, उसको भेद नहीं बताना चाहिए। और आगे बताया कि चाहे आपका भाई कितना भी आपका शत्रु हो, आपसे लड़के झगड़ के परिवार से दूर चला गया हो, कितना ही क्यों ना दुश्मन हो, घर की परेशानी, घर का कष्ट दुख की बात उस तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। पता नहीं कब भाई का प्यार, माँ का प्यार, पिता का प्यार, बहन का प्यार उसे वापस बुला ले। विदुर जी महाराज ने लिखा है, चाहे आप कितने भी संपन्न हैं, यदि भाई और भाई में आपस में दुश्मनी है तो वो घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता, अशांति 24 घंटे वहां है। रामायण में देखा ना आपने, कौशल्या ने वनवास लक्ष्मण को नहीं दिया, केवल राम को दिया था। संसार में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। एक भाई ने भाई के लिए 14 वर्ष जंगल में बिताए हों। और भरत भी देखिए, भरत जो सबको प्रेम से भरता है वो भरत है। राम तो फिर भी जंगल में तपस्या करते हैं, भरत जो है उनसे भी महान, वो महल में रहकर तपस्या करते हैं। जंगल में फिर भी तपस्या करना आसान है, सुख और सुविधाओं के बीच में तपस्या करना बहुत मुश्किल है। आइए ये दोनों बातों पर विचार करते हैं और सुनते हैं। क्या चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया तो चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए।
और आखिर में विचार कर रहे हैं माया और काया सब हम इसी दुनिया में पाते हैं और सब यहीं छोड़ के ही जाना होता है। शमशान किसको कहते हैं? मरने के बाद सब जमीन पर, हमारा मान सम्मान मरने के बाद सब बराबर। इसलिए धन और धर्म दोनों में से हमें देखना है हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं। आइए कवि भी कहता है, सुनते हैं। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए।